नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम मिलिट्री राज, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, क्रिस्टल बेसिन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री राज संजय शर्मा द्वारा निर्देशित 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, प्रतिभा सिन्हा, पूजा बेदी, प्रेम चोपड़ा, मेजर आनंद और एक अधीक्षक सेना के अधिकारी है जो लड़का है। अपराध की स्थिति होने पर अपराधों से बचने के लिए, जिसके लिए वो उन्हें अक्सर पुलिस द्वारा दोषी ठहराया जाता है, ये कहते हुए कि उस सेना के पास नागरिक समाज है, अपराधों से लड़ने की कोई शक्ति नहीं है और आयु पुलिस का कर्तव्य है। अपराधों का समर्थन करने वाला राजते उसे शिविर के प्रमुख के रूप में अनुशासन के कैडिटों के साथ एक प्रशिक्षण शिविर में स्थानांतरित कर देते हैं। वहाँ वो कैडिटों की ईमानदारों के सैनिकों के प्रशिक्षित करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के, देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का करना, और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खान पमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और स्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है, एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्त है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है, सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानियों के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बली के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई अपिक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग, और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों की भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैनिक कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16%, जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं है। जो 17-50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सहायक के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 वर्ष की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते हैं, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक प्रभाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं की परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके अलावा अध्ययन के पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को
उद्यमता की सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए दो छत्रपाल पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं, वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, उसकी इसी दिखाया गया है कि उसने बम में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं, बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्र की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त जो उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदु की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदु को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है, अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद सिर्फ को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर सिर्फ को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें विदा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे
रहने बताते हैं लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टर माइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्की अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश का कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए जैसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कुमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है, ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है, सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य या वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते हैं और पदानुक्रम पुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती का यह भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं, जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के कमरों के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और के अधोर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं की परिचालक कारण के कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समुद्री की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाथों तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 क्षेत्रफल पहले बीच की लिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रोंगवोट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रोंगवोटों के प्रभाव करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बान वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। इन कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा सहनता प्राप्त नहीं है। उसकी इसी दिखाया गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के जरिए को ब्लैकमेल करता है लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनके प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त जो उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद सिर्फ को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर सिर्फ को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपर्णा और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर सिप को बताता है कि ये हिजड़े हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में सिप ने हिजड़े को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। सिप नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे
रहने बताते हैं लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया और मास्टर माइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण करने लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है जहाँ उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहाँ उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहाँ वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश का कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश की सुरक्षा के जिम्मे लेने के लिए सेना को बुलाया जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में प्रयोग करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खान कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्त है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है जिसका उपयोग एक जूट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानियों के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बली के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र सानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों को भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैनिक कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सहायक के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 10 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और के अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के मौजूद आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं की परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाथों तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्रपाल पहले बीच की लिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी ही लिखा गया है कि उसने बम में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्र की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर चित्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदु की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदु को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है, अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता, लेकिन शिव नगी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपर्णा और लकी सहित के लापता मामलों की जाँच करते हैं जहाँ वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई है थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें विदा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टर माइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्की अपहरण कर अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिट की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश की सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के पिया के रूप में पिहो का करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के पिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है, ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य या वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि शहरों के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते हैं और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन में अलावा कार्मिक कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों को भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं, जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के कमरों के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह के आधुनिक समोरी की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब जब रोंगवोट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रोंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। इन कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। उसकी ही लिखा गया है कि उसने बम में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फ़ोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फ़ोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए यह विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसी सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विकट को बताता लेकिन शिव नगी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने की अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जाँच करते हैं जहाँ वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजड़े हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजड़े को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण करने लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी के सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश की सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहोक खन्ना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खान कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्त है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एक जूट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानियों के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर मिशनल अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बली के लिए संगठन में अलावा कार्मिक कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैनिक कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में स्वास्थ्य के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आधिकारिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके यूमेंस के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्रपाल पहले बीच की लिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी इसी लिखा गया है कि उसने बम में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं के बाद कि वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिव अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। नसीब उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता, लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई है थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें विदा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्की अपहरण कर अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहाँ उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहाँ उसे और के मूल्यों एहसास कहा था, जहाँ वो एक लकी अंत उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्कीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वायुद्ध टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं, सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का करना और मथु के प्रेमी की पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है, ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है, सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक शैक्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम पुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन में अलावा कार्मिक कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं, जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव की होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह के आधुनिक समोरी की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के भाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को पूर्णतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगवोट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभाव करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन तैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा सहनता प्राप्त नहीं है, उसकी ही लिखा गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के जरिए त्याग ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फ़ोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फ़ोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके पापर छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है, अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता, लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके मृत निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी के सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश का कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखनी खतरे के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में प्रयोग करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कुमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्त है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानियों के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बली के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र सानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैनिक कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्य अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। 2017 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सशस्त्र के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्र पर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के मौजूद आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण के कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके यूमेंस के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्रपाल पहले बीच की लिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्वाण वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी इसी दिखाया गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर चित्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं के बाद कि वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। यात्रा के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। नसीब उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई है थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हॉलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया और मास्टर माइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वायुद्ध टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हैं, जैसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है, ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है, सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन में अलावा कार्य कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना युद्ध समर्थन भूमिका, उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका, उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16%, जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। जो 17 को थे 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 10 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के भाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नता की सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रोंगवोट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रोंगवोटों के प्रभाव करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन तैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी इसी लिखा गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त हैं उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उन्हीं के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके बापर छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है, अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विकट को बताता, लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल
रहने बताते लोगों का अपहरण कर रहे होते, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। शिव एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता, जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद को टू नरेश का कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में प्रयोग करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कुमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। ये युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक के द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य या वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि शहर के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते हैं और पदानुक्रम पुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र सानियों के कृत की अवसर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती का यह भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16%, जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में स्वास्थ्य के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समरूपी सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को तक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके यूमेंस के शस्त्र बलों के लिए 2 क्षेत्रफल पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन तैन्य रोजगार के अनिर्बान वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसकी ही दिखाया गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके बापर छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिव अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजड़े हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजड़े को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहां वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल
रहने बताते हैं, लोगों का अपहरण कर रहे हैं तो उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। सिर्फ एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण करने लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है जहाँ उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहाँ उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहाँ वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वायुद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनों के प्रस्कृत करते हुए जैसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने खतरे और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का सीखते हैं ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि शहर के शीर्षक शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन में अलावा कार्मिक कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र सानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना युद्ध समर्थन भूमिका, उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका, उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं है। जो 17 को 50 राज्यों सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 10 वर्ष की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते हैं, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के मौजूद आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं के परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके
अलावा अध्ययन की पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह के आधुनिक समूह की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नता की सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके यूमेंस के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रोंगवरुट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रोंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उसकी ही लिखा गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उन्हीं के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद सिर्फ को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर सिप को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपना और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे
सभी हॉलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजड़े को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है, लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। अधिकार करने के पहले कि वो उसे हिजिकल रहने बताते हैं, लोगों का अपहरण कर रहे हो तो उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे, जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। शिव एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है, जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्की अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है, जहाँ उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहाँ उसे और के मूल्य एहसास कहा था, जहाँ वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए जैसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया, जिसने सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहोक खन्ना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री बसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में हैं। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है, जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है, जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर मिशनल अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य या वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते हैं और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती का यह भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैनिक कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्य अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को ने है। जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और के अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों निम्न स्थिति वाले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय, पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे
एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक धारताओं की परिचालक कारण के कमियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके अलावा अध्ययन के पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक सामरिक की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाथ तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शास्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सशस्त्र बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभाव करने या संचालन पर नियंत्रण करने के लिए पूर्णकालीन तैन्य रोजगार के अनिर्बान वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा सहनता प्राप्त नहीं है, उसकी इसी दिखाया गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है, लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनके प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्रा के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुम्बा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपर्णा और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के
लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलियोड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें विदा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल रहने बताते हैं। लोगों का अपहरण कर रहे होते उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। शिव एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बुलकी अपहरण करने लगता लोगों के ढूंढता है। वित होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है जहाँ उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहाँ उसे और के मूल्य एहसास कहा था जहाँ वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मे लेने के लिए सेना को बुलाया जिसनी सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटली मिलन के कैडेट अवसर के रूप में आदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में पीहो का कन्ना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खान कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानियों के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सार्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य यह वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि शहर के शीर्षक शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते और पदानुक्रम दुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना, युद्ध समर्थन भूमिका उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती की या भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्यों अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं है। जो 17 को 50 राज्यों सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के उम्र के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 वर्ष की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते हैं, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समांतर और अधर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक प्रभाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पूर्व निम्न स्थिति वाले सामाजिक
अधिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के अधिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किए अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक उधारताओं की परिचालक कारण कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके अलावा अध्ययन के पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समरी की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के हाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उन्नतक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शस्त्र बलों के लिए 2 छत्तीस पहले बीच की लिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्बाध वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उसकी ही लिखा गया है कि उसने बम में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके ब्लैकमेल करता है लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनकी प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्र की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदु की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदु को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसकी उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद शिव को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर शिव को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपर्णा और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो
उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े तहसीब और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजरे हो सकते हैं जहां उसे सभी हॉलीवुड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजरे को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें विदा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे रहने बताते हैं। लोगों का अपहरण कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था, अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। यह पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड, क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। शिव एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्की अपहरण का अन्य लगता लोगों के ढूंढता है होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है, बेहरमी से हत्या मार डालता है जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था जहां वो एक लकी अंत उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी की सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश का कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे। क्रेडिटी की ईमानदारों के सैनिकों के प्रस्कृत करते हुए ऐसे भयावह स्थिति में जिसमें पुलिस शांति बनाए रखने के और अपराध पुलिस पर हावी हो जाते हैं। सरकार के पास पुलिस के बैरकों तक सीमित करने के देश के सुरक्षा के जिम्मा लेने के लिए सेना को बुलाया जिसने सैन्य राज्य बनाते हैं। अलावा कई अन्य विकल्प नहीं है। सैन्य नियंत्रित राज्य मेजर आनंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, जटिल मिलन के कैडेट अवसर के रूप में अदित्य पंचाली, अदालत जेली के पीटी के प्रिया के रूप में प्रयोग करना और मथु के प्रेमी के पूजा बेदी, मंत्री भसन के रूप में प्रेम चोपड़ा, इरफान खां कमाल, गौतम सिंह खान पंजाल नौकर के प्रिया के पिता के रूप में है। सेना इतिहास का अक्सर सभी संघर्षों का इतिहास माना जाता है, ना कि केवल राज्य सेनाओं का इतिहास। यह युद्ध के इतिहास से कुछ अलग है जिसमें सेना इतिहास युद्ध करने वाले लोगों और अस्थायी कर केंद्रित होता है, जबकि युद्ध का इतिहास बदलते तकनीक सरकारी और भूल के सामने युद्ध के विकास पर केंद्रित होता है। सैन्य इतिहास के कई पहलू है। एक छवि में उनके लिए गलतियों का किस्से है ताकि भविष्य में अधिक प्रभाव का दंग से युद्ध लड़ा जा सके। ये दूसरा है सैन्य परंपरा की भावना पैदा करता है जिसका उपयोग एकजुट सैन्य बल बनाने के लिए किया जाता है। फिर भी दूसरा ये हो सकता है कि युद्ध के अधिक प्रभावी दंग से रोक सकता है। सेना के बारे में ज्ञान काफ़ी हद तक सैन्य संघर्षों के युद्ध उनकी भाग लेता वाली सेनाओं के सेनानिशाओं के और हाल ही में वायुसेनाओं के रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास दोनों पर आधारित है। सैन्य संगठन को रैंक के साथ सैन्य रैंक द्वारा विभाजित एक कमांड पदानुक्रम की विशेषताओं के आमतौर पर अधिकारियों के जैसे कर्नल, गौर कमिश्नर, अधिकारियों के जैसे सर्जन और सबसे निचले रैंक के कर्मियों जैसे निजी के रूप में अधिकार के बैठने क्रम में समूहकृत किया जाता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी रणनीतियों के निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ सैन्य कर्मी सैनिक नाविद सैन्य या वायु सैनिक उन्हें पूरा करने हैं। हालांकि सैनिक के शीर्षक निर्णय शाखा का देश का अवसर अलग अलग होते हैं और पदानुक्रम पुनिया भर में सभी राज्य शास्त्र बलि के लिए संगठन के रूप में अलावा कार्यों कई एक भूमिका के से एक कब्जा कर लेते हैं जिन्हें अक्सर युद्ध संचालन पर भूमिका के केंद्र स्थानियों के अक्सर सामूहिकृत किया जाता है। लड़ाकू भूमिका उदाहरण के लिए पैदल सेना युद्ध समर्थन भूमिका, उदाहरण के लिए लड़ाकू इंजीनियरिंग और युद्ध सेना सहायक भूमिका, उदाहरण के लिए राज्य द्वारा चुनी गई प्रणाली के आधार पर कर्मियों के भर्ती का यह भर्ती की जा सकती है। अधिकारी सैन्य कर्मी पुरुष के महिला कर्मियों का अल्पसंख्यक अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न है। भारत में लगभग 3% यूके 3% 3% 16% जबकि 2/3 राज्य अब केवल वयस्कों की भर्ती या भर्ती को नहीं, जो 17 को 50 राज्य सभी को अपने सशस्त्र बलों में सर्व के लिए 15-18 वर्ष के कमरों के बच्चों आमतौर पर 16 या 17 की आयु पर आंशिक रूप से निर्भर करते, जबकि अधिकार के रूप में शामिल होने वाले समर्थक और के अधोर गतिशील होते हैं। अधिकांश भर्ता कामियों के बचपन की पृष्ठभूमि सापेक्ष सामाजिक आर्थिक भाव को होती है। उदाहरण के लिए 1973 में समुद्रपुर भर्ती के निकलने करने के बाद सेना ने अफ्रीकी अमेरिका पूर्व निम्न स्थिति वाले सामाजिक
अधिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों के इच्छुक हाई स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों और जिनके हाई स्कूल ग्रेड कम थे को आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अमेरिका स्थल के पल कंपनियों के मौजूद आर्थिक पृष्ठभूमि पर 2020 की जारी किया अध्ययन से पता चलता है कि माता पिता की आय पिता की संपत्ति और संज्ञापन के क्षमताओं के जैसे सामाजिक आर्थिक संकेताओं के संबंध में वे एक आबादी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। अध्ययन माया है कि तकनीकी समारोह के परिचालक उद्धारताओं के परिचालक कारण के कर्मियों के मांग के बदलाव के आया है। उसके अलावा अध्ययन के पता चलता है कि सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों के आधुनिक समरी की सेना की व्यवस्था को पूरा करने की संभावना कम है। सैन्य रोजगार के भाई तो कई भी पूर्वकालिक सैन्य रोजगार के लिए आमतौर पर कई वर्षों को उद्यमताक सेवा अवधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमिका शाखा और रैंक आधार पर ऑस्ट्रेलिया यूके वुमेन्स के शास्त्र बलों के लिए 2 छत्पाल पहले बीच की हिस्ट है। कुछ सस्ते बल आमतौर पर यात्रा के दौरान एक छोटी डिस्चार्ज वीडियो अनुमति देते हैं। इनिंग जब रंगभूट अधिकार के तौर पर सशस्त्र बल छोड़ जाते हैं। वैकल्पिक रूप से अंशकालिक सैन्य रोजगार जैसे आंशिक सेवा के रूप में जाना जाता है और उसके लिए अनुमति देने की पारंपरिक नौकरी बनाए रखने की अनुमति देता है। उसे पूर्णकालिक कर्मियों के पूरक के रूप में संचालन पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सशस्त्र बलों के छोड़ने के बाद रंगरेटों के प्रभावित करने या संचालन पर तैनात करने के लिए पूर्णकालीन सैन्य रोजगार के अनिर्वाण वापसी के लिए उत्तराधिकारी रहना पड़ सकता है। अन्य कानून जैसे अपराध पेश करता है जो नागरिक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उसकी ही दिखाया गया है कि उसने बम्स में अपना समय कैसे बिताया। अभिराम तस्वीरों के तरीके को ब्लैकमेल करता है लेकिन फिर वो बंगाली से अभिराम का सेल फोन मांगती है और उसे बताते हैं कि अभिराम उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनके सामूहिक प्रयास विफल हो जाते हैं। बच्चे को भी इस मामले को घसीटा जाता है। अभिराम और बच्चे के बीच लड़ाई होती है जिसमें उनके प्रतिद्वंदिता गहरी हो जाती है। बंगाली में छुटकारा पाने के लिए बलराजू चित्रों की शादी की व्यवस्था करता है। सत्ता बंगाली को इसके बारे में बताते हैं जो फिर जत्रा का अपहरण कर लेता है। अभिराम उसका पीछा करता है। चित्रा को बताता है कि बंगाली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः अभिराम को फोन ढूंढता है और उसकी असली पहचान का पता लगाता है। अभिराम बलराजू को अपने पिता के सहायता से नायक अस्पताल के नवीनकरण को मदद करने की पेशकश करता है। बलराजू ने अस्पताल स्वीकार कर लिया। तब अभिराम अपने पिता को फोन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि सत्ता के पास उसका फोन है। वो अपनी तस्वीर डिलीट कर देते हैं। वो जानते हैं कि बात की वो सच्चाई जानते हैं। अभिराम उसके पास एक सौदा करता है। उन्हें एक दूसरे के प्यार हो जाता है। बाद में चित्रा जो अब घर में अभिराम के दोस्त जो उसे बताते हैं कि बंगाली को घर में क्यों निकाला गया था। बंगाली और चित्रा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बलराजू को ये मंजूर नहीं है क्योंकि बंगाली काफ़ी ख़राब है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। निराश और नशे में बंगाली चित्रा के कमरे में प्रवेश करता है और उसमें शादी करने के लिए उसके साथ बलात्कार करके अपने प्रयास के बारे में बताते हैं। हालांकि राजू उसे पकड़ने के बाद घर से निकाल देते हैं। बलराजू के बहनोई और उसके बेटे राजेंद्र को तैयार बैर बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इतने बंगाली को जेल से रिहा कर दिया। अभिराम के पिता अन्न तो उपकरण हैदराबाद भेजते हैं जो बन्नी और बंगाली के प्राप्त होने हैं। बंगाली बन्नी पर हमला करता है और उपकरण जब्त कर लेता है। अभिराम बंगाली और उसके आदमियों को रोकता है और अपनी पहचान बताता है। बंगाली को एहसास होता है कि उसने क्या किया और बलराजू के साथ सुलह कर लेता है। उपकरण अस्पताल में उतार दिया जाता है और उंगी के लिए उसके वो उससे अलग होने का फैसला करते हैं। ये बनकर बंगाली उसे सूचना देती है कि दुंदू की पहचान बलराजू से होती है और वो अभिराम उंदू को घर पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके वापस छोड़ने के लिए हिम्मत हो जाते हैं। छात्र के दौरान शिवा अवर्ण और लकी एक दुर्घटना में फंस जाते हैं। शिव बच जाते हैं लेकिन अवर्ण और लकी रूप से घायल हो जाते हैं जहाँ वो उन अस्पताल और लकी को भी तल भर्ती किया जाता है। सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करता है। अस्पताल में झगड़ा करता है जहां वो मनोरुंभा से कारण बेहोश हो जाता है। 8 दिनों के बाद सिर्फ को पता चलता है कि अपर्णा और लकी गायब है और अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टर सिर्फ को दिखाया गया है कि गर्जेंट उर्फ नागी वहाँ को गुंडों के एक वास्तव बचा गया। एक पुलिस अधिकारी और नागा देखता है कि और विंकट को बताता लेकिन शिव नागी को ढूंढने लगता है। दिनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शिव गानी को मार देता है और गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि डॉक्टर सुनीता ने अदालत से कहा कि शिवा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसे 14 दिनों के लिए घर में नजरअंदाज कर रखा गया है। 14 दिनों तक घर में कैद करने के अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद शिव अभी भी विभिन्न लोगों अपर्णा और लकी सहित के लापता मामलों की जांच करते हैं जहां वो
उस स्थान पर वापस जाते हैं जहां दुर्घटना हुई थी और कुछ सुराग बड़े शिव और सुंदर के लापता के अपहरण कर लिया है और जिसे अपहरण के लकी भी शामिल है। एक सुराग के देखने बाद विक्टर शिव को बताता है कि ये हिजड़े हो सकते हैं जहां उसे सभी हेलियोड मिलते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि वे उसके पीछे नहीं थे। बाद में शिव ने हिजड़े को बेस में पुरुषों के एक समूह को देखते हैं जहाँ वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके नेताओं के में से एक उन्हें पीछा करते हुए देखता है। शिव नेता का पीछा करता है लेकिन नेता एक लड़ी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं अधिकार करने के पहले कि वो उसे फिजिकल रहने बताते हैं। लोगों का अपहरण कर रहे होते उन्हें पैसे की बेच रहे थे और चिकित्सा माफिया था। अवैध चिकित्सा परिस्थितियों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। ये पता चलता है कि भाटिया वास्तव में चिकित्सा माफिया मास्टरमाइंड क्योंकि वो मूल रूप से कृत्रिम रक्त बना रहे थे जिससे वो एक व्यवसायी बन और पति के रक्त बनाने के लिए उसके निर्दोष के लोग हत्या की। शिव एक अपहरण व्यक्ति के रूप में बैग में उनके ठिकाने पर जाता है जहाँ वो खुद को मेरे कार्यकर्ता के रूप में प्रचन्न करता है। डिस्क और बल्कि अपहरण करने लगता लोगों के ढूंढता है होकर शिव भाटिया को गुंडों पर हमला करता है बेरहमी से हत्या मार डालता है जहां उन्होंने भाटिया को धड़कने हुए धमक के फेंक मार डाला था। शिव ने जहां उसे और के मूल्य एहसास कहा था जहां वो एक लकी अंत तक उसके साथ फिर से मिलने और एक सुशाल जीवन जीते हैं। उसके बाद नंदी के सफलता के बाद घोषणा की गई थी कि अल्लरी नरेश और विजय कनकोंडा साइंस स्क्रीन पर निर्माण के तहत अस्थायी रूप से नरेश वाजिद टू नरेश कनकोंडा के दूसरा सहयोग नामक एक फिल्म के लिए टीम बनाएंगे।